बीटीवी न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। ये भंडारा साइड से पहला रोड से ये अंबोरा की तरफ आता है और ये है अंबोरा का पुल जो कि भंडारा डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा आकर्षण है। ये देख सकते हैं किस तरह से पुल बना हुआ है। ये रात को बहुत ही अच्छा दिखता है, इसकी लाइटिंग जो रोशनी की गई है पुल पर। और ये जो यहाँ पर अंबोरा का जो संगम है वो ये देख सकते हैं, यहाँ पांच नदियों का संगम है। और यहाँ पर ये अंबोरा में ये पुल बना हुआ है, तो अभी भी यहाँ धुंध है। कैसे ये धुंधला दिख रहा है देख सकते हैं। तो ये बहुत ही यहाँ का आकर्षण का केंद्र रहा है। ये लोग यहाँ ये पुल देखने के लिए रोज आते हैं और रात के वक्त अच्छी खासी यहाँ भीड़ रहती है, क्योंकि जो रोशनी होती है तो रोशनी में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये देख सकते हैं ये अंबोरा का पुल जो कि अभी भंडारा डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। तो अभी आगे अंबोरा में जो क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तो अगर आपने बीडी न्यूज हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको जो आने वाले वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो ये है अंबोरा का पुल और हम पुल के ऊपर से जा रहे हैं, तो देख सकते हैं ये किस तरह से इसके जो ये है रोप वो कितने बड़े बड़े हैं और ये किस तरह से ये दिख रहा है। ये बहुत आकर्षण का केंद्र हो गया है और ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस हो गया है। तो बहुत ही रोज ही लोग यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं और क्या भव्य दिख रहा है। पुल तो दिख रहा है लेकिन उसके जो नदी का जो है आकर्षण ये बहुत ही बढ़ गया है। नदी जो मंदिर है वो कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये पुल के ऊपर से ये गेट देख सकते हैं, ये कितना बहुत बड़ा ये खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ लोग रोज यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं और रात को तो अच्छी खासी गर्दी रहती है क्योंकि यहाँ जो रोशनी रहती है तो उसमें इसका जो बहुत ही बढ़ जाता है। तो यहीं पर हम रुक के दिखा दें आपको। तो ये यहाँ किस तरह से ये यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और ये इसका बहुत ही भव्य गेट ये देख सकते हैं पुल का जो सेंटर पोजीशन है। और ये है अंबोरा की जो पहाड़ी है और ये इधर मंदिर है। तो ये मंदिर अंबोरा का मंदिर और ये है नदी जो कि समुंदर जैसी दिखती है ये। और ये इधर एक मंदिर है और ये अपना पुल और ये इतनी बड़ी नदी है। तो यहाँ पर पांच नदियों का संगम है इसलिए यहाँ पर जो हिंदू धर्म की रीति रिवाज से यहाँ पर जो श्राद्धवाद होते रहते हैं तो यहाँ का जो मेन स्पॉट है। और ये नदी की जो बहुत बड़ी नदी है यहाँ संगम है, तो इसकी भव्यता देख सकते हैं।
और किस तरह से ये पुल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके आगे भी हम अब आगे अंबोरा में जाते हैं और वो दिखाते हैं। और ये लोग विजिटर हैं, तो कैसे लगा आपको ये? अरे एक नंबर, बिंदास व्यू है सर यहाँ पे, एकदम परफेक्टली व्यू है, परफेक्ट है यहाँ। अच्छा। पे सब देखिए, यहाँ पे आजू बाजू में सब वाटर ही वाटर है। इधर देखिए सब वाटर, यहाँ पे पांच नदियों का संगम है सर। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम है पता है क्या आपको? एक्चुअली सर नाम तो पता नहीं है। एक वैनगंगा है, वो एक है हमारी नागपुर की नदी है। अच्छा, नागपुर की नदी, नाग नदी, हम है नागपुर के। अच्छा, वो एक पता है, और कौन सी है? वैनगंगा है, नाग नदी है, और पता नहीं सर। लेकिन यहाँ पर पांच नदियों का संगम है। हाँ, यहाँ पे है, ये बाजू में ही उधर उधर ये शो करिए, उधर ही है ये देखिए। अच्छा, आजू बाजू अच्छा, में वो मंदिर के पास से दिखेंगे ना। हाँ, तो पांच नदियों का पूरा संगम दिखेगा आपको। अच्छा अच्छा, ऐसा है सर। तो आप नागपुर से हैं? हाँ, बस यहाँ पे हम देखने ही आए, कैसा क्या है तो व्यू, लेकिन परफेक्ट परफेक्ट है, एक नंबर। तो ये यहाँ अपने जो नागपुर और भंडारा जिले में ये टूरिस्ट स्पॉट बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। अच्छा, तो इस तरह से ये यहाँ पर विजिटर लोग आ रहे हैं और इसको विजिट कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे यहाँ का जो अपने भंडारा जिले का ये आकर्षण का केंद्र बनते जा रहा है। अपने विदर्भ का बहुत फेमस मंदिर है, तो हम अभी उधर जा रहे हैं मंदिर के परिसर में। तो ये बहुत ही आकर्षक ये पहाड़ी है, और वो उधर ऊपर कुछ दिख रहा है छोटा सा। तो ये अभी हम मंदिर के परिसर में आ गए, यहाँ पर ये मंदिर का जो परिसर है, और यहाँ इधर ही पार्किंग है। तो अभी हम अंदर मंदिर में जाते हैं। BTV न्यूज भंडारा डिस्ट्रिक्ट स्पेशल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।